हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले विद्यानिकेतन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों की। सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिन्हें आप देखकर ही जो है सॉल्व कर देंगे। अतः इस वीडियो में आप अंत तक जो है बने रहिए। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? प्रश्न में है कि एक पंक्ति है उसमें रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो जब एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता रहता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल कर देंगे। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टी। कब? जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तब ये जो है फॉर्मूला लागू करेंगे। तो देखते हैं, रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए, प्रारंभ से रमन का जो स्थान है 15वां है, ये 15वां स्थान है, 15वां स्थान है किसका? रमन का। रमन का 15वां स्थान है कहां से? प्रारंभ से। प्रारंभ से करने का मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से जो है स्थान मालूम है। फिर रमन का जो है अंत से जो है 11वां स्थान है, अंत से, तो इधर अंत मान लेते हैं, अंत मतलब राइट साइड से, तो राइट साइड से कौन सा स्थान है? 11वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, तो इधर से आपका है 11वां स्थान। इधर से हो गया 15वां, इधर से हो गया 11वां स्थान। 11वां स्थान जो है ये हुआ आपका राइट से और ये हुआ लेफ्ट से। तो अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो पंक्ति में टोटल लोग ये होंगे कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट है आपका कितना? 15वां। लेफ्ट से स्थान क्या है? 15वां। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। लेफ्ट आपका दिया हुआ है 15वां प्लस राइट से स्थान है 11वां माइनस वन इक्वल टू टोटल। अब 15, 11 कितना हो जाता है? 15, 11 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा माइनस वन, और 26 में 1 घटा देंगे 25, तो इक्वल टू टोटल। तो पंक्ति में टोटल लोग जो होंगे वो 25 होगा। पंक्ति में टोटल लोग जो होंगे, कुल लोग जो होंगे वो 25 होंगे, और 25 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका ए होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है, किसी कक्षा में राम का स्थान जो है ऊपर से 23वां है, ऊपर से 23वां है तथा नीचे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्या प्रश्न है कि किसी कक्षा में राम का ऊपर से 23वां स्थान है, ऊपर से 23वां स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 ऊपर से राम का जो स्थान है तेईसवा है ये तेईसवा स्थान हुआ राम का। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि नीचे से जो है 20वां स्थान है नीचे से, तो नीचे से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो नीचे से इसका 20वां स्थान है, नीचे से जो है इसका 20वां स्थान है, इसका 20वां स्थान है, 20वां स्थान है, इसका 20वां स्थान है। नीचे से राम का जो है 20वां स्थान है, 20वां स्थान है, और ऊपर से जो है राम का जो है 23वां स्थान है। अब कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि कुल संख्या बराबर, अभी क्या बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल बोले थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल बोले थे। तो यहां देखिए क्या है, ऊपर नीचे है, तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस वन कर देंगे, यू हो गया ऊपर से और एन हो गया नीचे से। तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, तो कक्षा में कुल संख्या, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या निकाल लेंगे। तो बताइए ऊपर से कौन सा स्थान है, ऊपर से है 23वां, तो ऊपर से है 23वां प्लस नीचे से, तो नीचे से कौन सा स्थान है 20वां, तो 20वां माइनस वन कर देंगे। 23 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 माइनस वन, अब 43 माइनस वन कर देंगे कितना हो जाएगा 42। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो होगा वो होगा 42, तो सही आंसर होगा 42, और 42 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने में है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए 22 से 90 स्थान पर है और बी जो है दाएं से 5वां स्थान पर है, यदि ए तथा बी आपस में स्थान अदला बदली कर लें, ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है, कहता है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यही प्रश्न है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्या कह रहे हैं, एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 90वें स्थान पर है, ए बाएं से 90वें स्थान पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए जो है बाएं से 90वें स्थान पर है, ए जो है बाएं से 90वें स्थान पर है, बी जो है दाएं से 5वां स्थान पर है, बी जो है दाएं से 5वें स्थान पर है, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये आपका बी है, बी दाएं से 5वें स्थान पर है। इसके बाद देखिए क्या है कि यदि ए तथा बी आपस में स्थान का अदला बदली कर ले, कहने का मतलब है कि ए बी के स्थान पर चला जाता है और बी जो है ए के स्थान पर आ जाता है, ए जो है बी के स्थान पर चलाता है, यहां ए आ जाता है, यहां ए आ जाता है और बी जो है ए के स्थान पर आ जाता है, बी जो है ए के स्थान पर आ जाता है, यहां बी आ जाता है और यहां ए आ जाता है, तो ए बाएं से 18वां स्थान पर हो जाता है, ए जो है बाएं से 18वां स्थान पर हो जाता है, ये जो है ए जो है ये हो गया 18वां स्थान पर हो गया, ए जो है बाएं से 18वां स्थान पर हो गया, ए जो है बाएं से 18वां स्थान पर हो गया, 18वां स्थान पर हो गया। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो
पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या, पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे इस पॉइंट के लिए, देखिए इस पॉइंट के लिए इधर से है पांचवा और इधर से है आपका अठारवा, इसी पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट से हो जाता है, लेफ्ट से हो जाता है अठारवा स्थान और राइट से हो गया पांचवा स्थान, तो क्या बताए हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो लेफ्ट से जो एक स्थान क्या है अठारवा, प्लस राइट से जो है कौन सा स्थान है पांचवा माइनस वन, और 18 प्लस 5 कर देंगे कितना होगा 23, माइनस 1 कर देंगे और 23 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो सही आंसर जो है आपका 22 होगा, और 22 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि ए तथा बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, तो ए तथा बी के बीच में, बी के बीच में कुल बच्चे जो है कैसे निकालेंगे, तो इधर से लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट निकालेंगे प्लस इधर से राइट कर लेंगे और प्लस जो है मिडिल कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा टोटल। देखिए क्या करेंगे, अगर लेफ्ट करेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। अब बताइए लेफ्ट कितना है, लेफ्ट जो है बाएं से नम्मा है तो नम्मा जो है प्लस राइट तो दाएं से राइट क्या है पांचवा है और प्लस मिडिल और यहाँ टोटल, तो टोटल कितना निकाले हैं टोटल 22 निकाले हैं, टोटल जो है 22 हो गया और 9 5 14 हो गया प्लस मिडिल बराबर 22, तो मिडिल बराबर कितना हो जाएगा 22 और 14 को उधर ले जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 14, अब 22 में 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो सही आंसर जो है आपका 8 होगा। कहने का मतलब ए और बी के बीच में जो कुल जो बच्चे होंगे कितने होंगे, तो वो होंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए और बी के बीच में कुल बच्चे जो होंगे वो सही जो होगा आंसर 8 होगा, और 8 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है स्थान परिवर्तन के पश्चात बी का स्थान क्या होगा, जब स्थान परिवर्तन कर लेता है ए तथा बी, तो कहता है स्थान परिवर्तन के पश्चात बी का स्थान क्या होगा, तो स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा, बी का स्थान बताना है, इस बी का स्थान बताना है, स्थान परिवर्तन के पश्चात बी का स्थान क्या होगा, तो इस बी का स्थान क्या होगा, देखिए तो यहां से यहां हो गया पांचवा राइट हो गया पांचवा राइट हो जाएगा, अब प्लस बीच वाला संख्या होगा, बीच वाला संख्या जो है यहाँ बीच वाला संख्या होगा तो राइट प्लस मिडिल हो जाएगा, अब प्लस जो है आपका ये हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा राइट हो गया प्लस ये बीच वाला संख्या हो गया मिडिल अब प्लस ये वाला जो पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट तो प्लस 1 कर देंगे, तो देखिए राइट से हो गया पांचवा 5 प्लस दोनों के बीच में कितना संख्या है ए और बी के बीच में कुल कितना संख्या है 8 प्लस 8 प्लस और ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जो हो गया प्लस 1 कर देंगे, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, 13 प्लस कितना हो गया 14, तो
14 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि स्थान परिवर्तन के पश्चात जो है बी का जो स्थान होगा वो 14वां होगा, और 14वां आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो 14वां स्थान ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो है बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।